खबर मोगा तो है। तुहानू दस दिए कि केंद्र विच जदों तो बीजेपी की सरकार आई है किसानां दे हालात दिनों दिन माड़े हुंदे जा रहे ने। हुण तुहानू दसदे आ कि सरकार ने नवां कारा की कीता है। भारत सरकार दे भारतमाला प्रोजैक्ट अधीन जामनगर तो अमृतसर तक बनन जा रही ग्रीन हाईवे रोड दे रोस वजों अज मोगा जिले विच किसानां ने विशाल इकट्ठ नूं संबोधित करदे होए केंद्र सरकार अते पंजाब सरकार नूं दोषी ठहराया है। हरदयाल सिंह बूटर ने कहा है कि 5 साल पहला बनाए नैशनल हाईवे मार्गां अधीन आई जमीन दे मालकां नूं हुण दे मुकाबले 3 गुणा ज़्यादा भा मिल रहा सी, पर इस बार महज 20 तो 25 लाख रुपए ही सरकार इन्हां भोले भाले किसानां नूं देना चाहुंदी है। तो ये किसानां नाल पूरी तरह धक्का है, ये नहीं होण दित्ता जाएगा। देखते हाँ की है यह पूरा मामला। तुहाडे चैनल के माध्यम राही मैं दसना चाहुंदा कि जो सेंटर सरकार मोदी गवर्नमेंट जिहड़े पिछले 3.5 महीने तो साढ़े जिमीदार उत्थे बैठे हुए आ किन्नियां शहादतां पा चुके आ उस दी आड़ दे विच मोदी गवर्नमेंट ते पंजाब सरकार रल के इत्थे एक अमृतसर जामनगर हाईवे कढ रहा जिहदे विच जमीना किसानां दी जमीनां नूं कोटियां दे भाअ खरीद रहे आ। असीं पहलां वी डीसी साहब नूं मंग पत्र दित्ता जिन्हां नूं बेनती की वी सी साडी बिना सहमति तो साडे खेतां दे विच किसे नूं आउण ना दित्ता जावे, सानूं उन्होंने भरोसा भी दित्ता, पर उस तो बाद इन्हां ने आपदी मनमर्जी नाल दुबारा फिर नोटिफिकेशन अखबार दे विच कढ के ते इन्हां ने इत्थे मीटिंग रख ली जो किसानां दे रोह नूं देखदे आ अज्ज मीटिंग छड्ड के विचाले भज गए। इन्हां नूं असीं कहा वी जे किसानां दी उदाहरण के तौर पर पंजाब 80% की औसत है जिमीदारा की जिन्हों को 5-5 एकड़ जमीन आ, जे तुसीं 5 एकड़ के विच दी ये रोड कढ दिता तो 10 कर्मा उधर बचना 10-15 कर्मा उधर बचना, किसान के सिर पर इन्ना कर्जा चढ़िया हुआ जो तुसीं सानूं रेट का सुनने में आ रहा 20 तो 25 लाख रुपया पर किला, वो मुताबिक तुहाडियां बैंकों ने पैसे लै जाने, किसान तक ही इन्हों समेत परिवार खुदकशी करेगा ना। ये संबंध में अच्छ किसानों में बहुत रोह सीगा जिन्हां ने आके इत्थे अज इन्हां ने जी मीटिंग रखी सी जिहड़ी एनवायरमेंट दे क्लीयरेंस वास्ते जिवें एनवायरमेंट वाले जां पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले उन्हां बंदियां ने आउणा सीगा ते उन्हां ने इत्थे मतलब कि साडी कंसेंट लैणी सी वी तुहानूं कोई इतराज़ जां कुछ उहो जिही गल है वी इहदी रोड निकलण दे चक्कर 'च, तां उस बारे जिहड़ी मीटिंग रखी सी इन्हां ने। असीं आपदा पक्ष दस्सिया उन्हां नूं वी भाई सानूं पहलां तुसीं जिहड़े हैगे आ रेट इन्हां बारे क्लीयर करो क्योंकि रेटां बारे बड़ा रौला पै सारे पंजाब ची की 5 स्टेटां ची पै रहा जिथे जिथे दियां सड़कां लंघ रही जिहड़ियां 2-3 सड़कां एक तो दिल्ली कटरा वाली सड़क है एक आ अपनी हैगी पठानकोट जामनगर वाली जिहड़ी जिहदे विचों दी आ अपना अमृतसर बठिंडा ग्रीनफील्ड जिहड़ी मोगे विच दी भी जाणी है इधर बरनाला मोगा कई हल्कियां चों निहाल सिंह वाला बाघा अपना धर्मकोट इन्हां विचों जाणी है। सो ये जिहड़ी हैगी है उस कनैक्शन इन्हों ने जी मीटिंग रखी सी कि क्लीयरेंस अपनी या साडे इतराज़ सुन के भी इनू गांह बधाया जाए। असी जिहड़ा उन्हां नूं उही बेनती की भी साडे रेटां दा पहलां जिहड़ा है या सानूं अशोरेंस दिओ भी जिहड़े प्रॉपर रेट मिलणगे तां असी जिहड़ी मीटिंग 'च पार्टीसपेट करांगे तुहाडे नाल गल्लबात करांगे, नहीं तां असी तुहाडे नाल गल्लबात बिल्कुल नहीं करनी जिन्ना चिर सानूं कोई अशोरेंस नहीं दित्ती जाए। मैं अपने ये मोढ़ियां ते गोढ़ियां तों बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी मैं दस भी नहीं सकदा, पर जब तो मैनू फिर रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोडे भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक के इलाज कर सकता है, फिर रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी, मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है यद कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसी सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जिसे लगान नाल मैं मार्केट में बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया, तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो वो भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।